कैबिनेट में एक राज का एक महत्वपूर्ण काम काज के क्या क्या काम तेजी करना है, कहीं पानी का है, कहीं रोड का है, इसी तरफ ऐसा सर चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी कुछ देर में, कुछ ही मिनट बचा हुआ है। अब आप लोग झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए कितने तैयार हैं, सीटों का घोषणा, क्योंकि तालमेल की कमेटी में भी आप ही हैं, अलाइंसमेंट वाला जो बात चल रहा है कांग्रेस के साथ तालमेल का। हमारा पार्टी नया नहीं है, हमारा पार्टी पुराना है, गठबंधन भी बड़ा मजबूत है, अपना अपना क्षेत्र में हमारा क्षेत्रीय नेता से लेके राज्य स्तर का नेता अपना अपना काम में लगे हुए हैं। आर्य खिचड़ी बपचड़ी की घोषणा है वो बाकी है, लेकिन पूरा 14 सीट में हमारा गठबंधन कर रहा है, राज्य स्तर का नेता, जिला स्तर का नेता, प्रखंड स्तर का नेता, सब अपना अपना काम में लगे। कल राजनाथ जी भी थे सर, और वो हेमंत जी पे निशाना साध रहे थे और कह रहे हैं कि 14 का 14 लोकसभा सीट वहाँ से यहाँ से एनडीए जीतेंगे, और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पे बहुत जोरदार निशाना वो साधते नजर आए थे। देखिए जिसका जो भाई है इसीलिए उसका भड़ास निकल गया है। हम 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में महागठबंधन का जीत। सर राहुल गांधी की रैली है, उसमें आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कल बताएंगे जाना, कल न जाना है, कल बताएंगे आपको। सर ललित कला अकादमी और साहित्य संगीत अकादमी का भी गठन आप लोग, राज्य के कलाकारों को कितना पहचान मिलेगा? देखिए कलाकारों के साथ साथ बहुत और भी काम करना है, उसी में हमारा प्रदेश या देश जुड़ा हुआ है। जितना जैसे खेल में भी हम लोग बहुत सब प्रोत्साहन देते हैं, खेल स्टाडियम भी हम लोग बनाते हैं, सीधी नियुक्ति भी हम लोग खिलाड़ी को करते हैं। ये सरकार हर चीज में हाथ जो समाज के अंदर में कलाकार भी रहते हैं, भाषा सांस्कृतिक भी है, खेल भी है, खेल भी बहुत तरह का है, इसीलिए सब पर हम लोग ध्यान। मुख्यमंत्री जी आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन जी के दुमका से चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग किस तरह से उस मजबूत? देखा हमारा दल का नेता है जी, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है जी, उसी का नेतृत्व हम लोग विधानसभा में लड़े हैं जी, उसी का नेतृत्व लोकसभा में लड़े, हमारा संगठन का बात है, और गठबंधन में तो हमारा अलग हमारा नेतृत्व। वो भी लड़ेंगे दुमका से क्या सर? वो दुमका से लड़ेंगे, अभी हम लोग बताएंगे आप लोग को। अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है, बीजेपी ने जो है अपना हो जाएगा, आप आधा दिन तो नहीं, एक दिन में आप एक दो दिन में आप लोग को बता दिया जाएगा। सर आप पीछे नहीं चल रहे हैं चुनाव में, चुनाव में पीछे नहीं चल रहे हैं, बीजेपी आगे घोषणा कर रही है आप लोग? नहीं नहीं नहीं, घोषणा करने से कुछ नहीं, वो तो समय में जो आज 3 बजे के बाद से जो हम लोग को आ जाएगा कार्यक्रम, कब कब कितना चरण में होगा दादा, एक बीपीएससी का मामला हमारा तैयारी हो जाए। बीपीएससी का एक मामला आया था दादा हजारीबाग में, केंद्र से बीजेपी की चुनाव प्रचार में आएगी, हेमंत जी जेल में होंगे, कमी खलेगी आपको, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ आएंगे मैदान में। अरे जेल से भी उनका बहुत दे चुका है ना, एरिया में घूम चुका है, उनका काम का शैली जानते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनसे सीखे। सर मोदी ने आज एक देश हमारा परिवार करके सॉन्ग किया है और कह रहे हैं पूरे देश उनका परिवार है, जबकि आप लोग परिवारवादियों में भी आप क्या समझते हैं? आप पॉजिटिव बता दीजिए, आप भी भारत का नागरिक, आपका परिवार का आपको बोलना है ना, तभी ना होगा, अलग सामाजिक व्यवस्था है, उस चीज को छिपाने के लिए इस तरह से नहीं बोलते, यह बहुत समुदाय है, बहुत समाज है, बहुत भाषा है, बहुत संस्कृति है, यह बहुत सा जोग है, इसीलिए
और अरे ऐसा कुछ आप बोलिए ताकि आदमी समझे, कुछ चीज से बचने के लिए इससे बोलने से नहीं चलेगा ना। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।